पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो वादा किया उसे पूरा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का कहना है कि क्रिकेट बोर्ड ने जो वादा किया उसे पूरा कर दिया। ARY न्यूज के मुताबिक PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का कहना है कि एशिया कप 15 साल बाद पाकिस्तान में हो रहा है। इसी साल में हम पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान लेकर आए और दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान आकर खेली। नजम सेठी ने कहा कि अब एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल और ICC की मदद से मजीद यूनिट भी पाकिस्तान में करवाएंगे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी का कहना था कि एशिया कप और फिर चैंपियन ट्रॉफी में बेहतरीन मेजबानी के लिए पुरअज़्म हैं। बड़ी टीमें और बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी और इंतजाम के मोतरफ हैं। आने वाले 20 माह बरसगीर के क्रिकेट शायकीन के लिए बहुत अहम हैं। वाजिर है कि इससे कबल एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल की तजवीज मंजूर कर ली। एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में, बकिया 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। श्रीलंका फाइनल समेत भारत के तमाम मैचेस की मेजबानी करेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए गफार स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें।